से आपको क्या देती है, प्रिंट प्रिंट देती है, जो भी आप पेपर प्रिंट करना चाहते हो। सो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हमने आईपीओ के बारे में पढ़ा था, जिसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पढ़ा था। इनपुट जो हम जैसे यूज़र कंप्यूटर में इनपुट देती है, और प्रोसेस के अंदर जो सीपीयू होता है वो एक सीपीयू जो होता है बच्चों वो प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद ओ मीन्स आउटपुट। आउटपुट से क्या होता है बच्चों, आउटपुट आता है।
चक्कीज और बोर्ड से मिलकर एक पार्ट बनता है, वो एक कंप्यूटर पार्ट बनता है, तो उसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर में हमने देखो क्या क्या पढ़ा था, न्यूमेरिक कीज क्या होती है, न्यूमेरिक कीज जिसके अंदर बच्चों नंबरिंग होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग होती है। उसके बाद फंक्शन कीज, फंक्शन कीज में मैंने आपको क्या बताया था, जो एफ से स्टार्ट होती है उसे हम
बटन्स होते क्या हैं? जो राइट बटन होता है वो राइट क्लिक करने के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे राइट क्लिक करना है तो आप उसके लिए राइट बटन पर क्लिक करोगे। लेफ्ट बटन नॉर्मली जो हम यूज करते हैं बच्चों, वो हम लेफ्ट बटन यूज करते हैं। और बीच में जो होता है ये स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन किस लिए होता है? कुछ भी स्क्रॉल करने के लिए। अगर आपको पेज के ऊपर जाना है, अप जाना है, तो आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे। अगर आपको पेज में डाउन जाना है तो आप डाउन की तरफ स्क्रॉल करोगे। अब बच्चों पढ़ते हैं हम हैंडलिंग द माउस। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू यूज द माउस प्रॉपरली। इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि माउस को प्रॉपर वे में कैसे यूज करते हैं। चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर में माउस होता है बच्चों, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था और जो सेकंड चैप्टर था जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 24 है बच्चों, चैप्टर है हैंडलिंग द माउस, चैप्टर 4 है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो कंप्यूटर होता है बच्चों, कंप्यूटर के अंदर माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। यूज्ड विद ऑल डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो ये माउस होता है बच्चों, जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उन सब के साथ यूज किया जाता है। दैट मूव्स द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और ये जो बच्चों माउस होता है किस लिए यूज किया जाता है? स्क्रीन पर मूव करने के लिए। अगर आप चाहते हो, आपके पास देखो बच्चों, अगर एक मिनट, अगर आपके पास ये स्क्रीन है और जो आपका बच्चों माउस है, जो कर्सर है वो यहाँ पर है, अगर आप पेज के यहाँ जाना चाहते हो तो आप ऐसे स्क्रॉल करोगे और या चले जाओगे। तो बेसिकली जो माउस का यूज किया जाता है वो पेज पर मूव करने के लिए किया जाता है। दैट मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो माउस किस लिए यूज किया जाता है? स्क्रीन पर मूव करने के लिए। द माउस कैन बी यूज इन मैनी डिफरेंट वेज। जो माउस होता है उसे हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वेज का मतलब होता है अलग अलग तरीके। डिफरेंट मतलब बहुत सारे, वेज मतलब तरीके, कि आप माउस को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? देयर आर टू माउस बटन। जो बेटा माउस होता है इसके अंदर दो बटन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक राइट बटन होता है और दूसरा लेफ्ट बटन होता है। देयर आर टू माउस बटन नोन एज द लेफ्ट एंड राइट बटन। एक लेफ्ट बटन होता है और दूसरा राइट बटन। ऑलवेज कीप अ माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस। और बेटा जो ये माउस होता है इसको हमेशा एक फ्लैट सरफेस मिलना चाहिए। फ्लैट सरफेस का मतलब होता है जब आप अपने माउस को, आपने देखा होगा, आप लैब में भी जाते हो, माउस डेस्कटॉप के साथ रखी होती हैं, तो माउस के नीचे एक फ्लैट कवर होना चाहिए जिससे वो इजीली मूव हो सके। द लेफ्ट बटन इज प्राइमली यूज। जो हम ज़्यादातर बटन यूज करते हैं वो कौन सा बटन होता है? लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। और देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, होल्डिंग एंड मूविंग द माउस। प्लेस योर पाम ऑन द माउस। पाम का मतलब क्या होता है बच्चों? PALM, जो वर्ड लिखा, पाम मीन्स हथेली। पाम क्या होता है बेटा? हथेली। हथेली होती है पाम। प्लेस योर पाम ऑन द माउस। जैसा देखो इस फिगर में गिवन है, इस फिगर में दिखाया हुआ है कि कैसे उसने प्लेस अपने हाथ को कैसे माउस पर रखा हुआ है। अपनी पैर मतलब अपनी हथेली को, हम अपनी हथेली को देखो बच्चों, सपोज ये माउस है तो आप
पतेली है वो जाएगी बीच में, थंब मेरा इस साइड आएगा और लास्ट की टू फिंगर्स इस साइड। सो मेरी टू फिंगर्स बची, एक आएगी लेफ्ट बटन पर, एक आएगी राइट बटन पर। सो ये माउस को पकड़ने का एक वे होता है। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन एंड योर मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन। जैसा मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना है, अपनी एक फिंगर तो इधर रखनी है और अपनी मिडिल फिंगर का रखनी है राइट पर। देखो इसमें भी यही मेंशन है, आपने क्या करना है, लेफ्ट बटन पर अपनी एक फिंगर रखनी है ये वाली, और जो हमारा राइट बटन है उस पर आपने अपनी मिडिल जो बीच की बड़ी फिंगर होती है उसको रखना है। नाउ मूव द माउस ऑन द माउस पैड। माउस पैड मैंने आपको बताया था, जो माउस के नीचे एक कपड़ा या कुछ भी हम रखते हैं उसे हम माउस पैड बोलते हैं। वॉच द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एज यू मूव द माउस। तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है बच्चों, वॉच द मूवमेंट, आपने वो मूवमेंट देखनी है। अगर आप माउस को पकड़ोगे और उसे हिलाओगे तो आपने वो मूवमेंट स्क्रीन पर देखनी है कि जो आपका माउस है, जो उसका पॉइंटर है वो कहाँ पर जा रहा है। देखो बच्चों, तो अब हम पेज नंबर 25 पर आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है, डू यू नो अ माउस इज अ डिवाइस दैट मूव्स अ पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो माउस होता है बच्चों वो एक डिवाइस होती है जो मूव करती है पॉइंटर को कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, माउस एक ऐसी डिवाइस है जो स्क्रीन पर अपने पॉइंटर को मूव करती है। जैसे जैसे आप अपने माउस को हिलाओगे वो वैसे वैसे अपनी स्क्रीन पर क्या करेगी, मूव करेगी। सो जो माउस है बच्चों बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो अपने पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज की जाती है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस एक्शंस। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस एक्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर हमारा टॉपिक है माउस एक्शंस की, माउस के क्या क्या एक्शंस होते हैं। MOUSE माउस, ACTION एक्शंस। सो देखो बच्चों, इसके अंदर माउस एक्शंस के अंदर कौन कौन से एक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिक, CLICK। फर्स्ट वन इज क्लिक एंड सेकेंड वन इज लेफ्ट क्लिक, LEFT, CLICKING क्लिकिंग। फर्स्ट वन इज क्लिक एंड सेकेंड वन इज लेफ्ट क्लिकिंग, थर्ड वन इज राइट क्लिकिंग, RIGHT, CLICKING, राइट क्लिकिंग, एंड द फोर्थ वन इज पॉइंट एंड क्लिक, POINT, पॉइंट एंड AND क्लिक, CLICK, पॉइंट एंड क्लिक। आगे भी फर्दर है बच्चों, फिफ्थ वन इज डबल क्लिक, DOUBLE, CLICK,
का मतलब होता है जो भी माउस एक्शंस करता है। जैसे देखो, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को लेके चले, जो मेरा हैंड है ये भी कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? इससे मैं लिख सकती हूँ, बुक को उठा सकती हूँ, पेन को मूव कर सकती हूँ। सो जो हैंड है ये भी कोई एक्शन कर रहा है। ऐसे ही जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो भी कुछ एक्शंस करते हैं। तो इधर हम पढ़ रहे हैं माउस एक्शंस, माउस के एक्शन के बारे में कि जो माउस होता है वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है। सो देखो बेटा, जो सबसे पहला एक्शन मतलब एक्शन जो माउस जो सबसे पहला काम करता है वो क्या है? क्लिक, CLICK, क्लिक। तो बच्चों क्लिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्लिक क्या करता है। आप अपनी बुक में देखो, पेज नंबर 25 पर एक रेड कलर की हेडिंग है माउस एक्शन, उसके बाद ग्रीन कलर की हेडिंग है क्लिक, CLICK, क्लिक। तो क्लिक, यू प्रेस डाउन वन ऑफ द माउस बटन। क्लिक करने के लिए क्या कह रहा है बच्चों? क्लिक कैसे क्लिक करेंगे? यू प्रेस डाउन वन ऑफ द माउस बटन। क्लिक एक्शन कैसे परफॉर्म होगा? जो बच्चों मैंने आपको दो बटन बताए थे, एक लेफ्ट बटन होता है और दूसरा राइट बटन होता है, तो उन दोनों में से आप किसी पर भी अगर प्रेस करते हो तो उसका मतलब आपने माउस के किसी बटन को क्लिक किया है। जब भी आप माउस में दोनों में से किसी बटन को प्रेस करते हो तो इसका मतलब है आपने माउस में किसी बटन को क्लिक किया है। As you click it, it makes a clicking noise. जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे माउस पर, वो एक हल्का सा नॉइस क्रिएट करेगा, ऐसे आवाज आएगी हल्की सी। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना माउस पर, तो हल्की सी एक साउंड क्रिएट होगी। सो नेक्स्ट है बच्चों लेफ्ट क्लिकिंग, जो सेकंड है हमारा लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट क्लिकिंग। सो नेक्स्ट लेफ्ट क्लिकिंग में देखो बच्चों, आपकी बुक में क्या गिवन है? दिस इज द प्राइमरी क्लिक दैट यू विल यूज। प्राइमरी क्लिक का क्या मतलब होता है? मतलब ज्यादातर यूज, जो हम माउस में ज्यादातर यूज करते हैं वो है बच्चों हमारा प्राइमरी क्लिक। प्राइमरी क्लिक का मतलब है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारा होता है प्राइमरी क्लिक। दिस इज क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन। तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, दिस इज क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन। जब आप लेफ्ट बटन पर क्लिक करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट क्लिकिंग। देखो बेटा, जैसे हमारे पास माउस के दो बटन थे, देखो मैं यहाँ पर बना देती हूँ माउस। जैसे ये माउस हमने बनाया था, पहले भी मैंने आपको बताया था, बीच में ये स्क्रॉल था, ठीक है बच्चों, और ये जो था हमारा लेफ्ट बटन था। मैंने अभी आपको बनाई थी मैंने फिगर, अभी आपको बताया था, दोबारा मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। और ये था हमारा राइट बटन, बीच में जो था बच्चों ये क्या था? स्क्रॉल। ये था स्क्रॉल, SCROLL स्क्रॉल था, और ये इसकी वायर जा रही है माउस की। तो लेफ्ट क्लिकिंग का मतलब ये होता है जब आप लेफ्ट बटन को